द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मोदी सरकार को या फिर भाजपा शासित सरकारों को अगर सबसे ज्यादा किसी से डर लगता है तो वह किसानों से लगता है। किसान आंदोलन का नाम सुनते ही दिल्ली में बैठी मोदी सरकार हो या जिस राज्य में किसान बहुतायत संख्या में है उस राज्य की सरकार हो, उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। हरियाणा में कुछ ऐसा हुआ है जिसमें पुलिस रंगे हाथ पकड़ी गई है। किसानों से ऐसा डर, ऐसा खौफ कि उनके आंदोलन को पहले ही कुचल दो, पहले ही दबा दो और उसके लिए डर का सहारा लिया जाए। पुलिस की करतूत कैमरे में कैद हो गई। पुलिस रात के अंधेरे में हरियाणा के गांव में घुसती है और किसानों को धमका रही है कि 13 फरवरी को आपने जो आंदोलन में जाने की योजना बनाई है उसको भूल जाइए, उस आंदोलन में जाने की सोचना भी मत, नहीं तो क्या क्या नहीं हो जाएगा। कितनी सारी गंभीर टिप्पणी, कैसी भाषा का प्रयोग किया गया है, इसका वीडियो भी हम आपके सामने रखते हैं कि पासपोर्ट रद्द कर देंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे, घर से उठाकर ले जाएंगे सबको। मतलब किसान आंदोलन करे तो इन्हें परेशानी होने लगती है, क्योंकि किसान ही एकमात्र ऐसा तबका है जिसने प्रधानमंत्री मोदी को बैकफुट पर लाया और झुकने के लिए मजबूर किया। और ऐसे में डरी सहमी सरकार करे तो क्या करे, प्रशासनिक तंत्र का प्रयोग कर रही है। चला देखिए कि इस वीडियो में कैसे पुलिस किसानों को एकदम माइक पर धमकी दे रही है। सूचित किया जाता है कि दिनांक 13 तारीख को किसानों द्वारा जम्मू बॉर्डर पर इकट्ठे होकर दिल्ली जाने का आह्वान किया है। कोई भी ग्रामवासी इस आंदोलन में भाग नहीं लेगा और किसी भी ग्रामवासी की इस आंदोलन में सहभागिता पाएगी तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी ग्रामवासी का इस वीडियो को शेयर किया है मनदीप पुनिया ने और लिखा है, हरियाणा के गांव-गांव जाकर पुलिस किसानों को आंदोलन में शामिल ना होने की धमकी देते हुए इस भाषा का इस्तेमाल कर रही है। उन्हें चेतावनी दी जा रही है कि भूल कर भी आंदोलन में मत जाना, बॉर्डर पे जमा मत होना, दिल्ली जाने के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो गिरफ्तार कर लेंगे, पासपोर्ट रद्द कर देंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। बहुत बड़ी बड़ी धमकियां पड़ी हैं। किसान घबराएंगे क्या, किसान डरेंगे क्या? किसान से तो सरकारें डरती हैं और सरकारें डरती हैं तभी तो किसानों को दबाने के लिए ऐसे हथकंडे का प्रयोग करती है। एक तरफ जाट जो किसान हैं उन्हें खुश करने के लिए मोदी जी ने एक साल में ताबड़तोड़ भारत रत्न बांटने की कैटेगरी में चौधरी चरण सिंह को भी शामिल किया, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, सम्मान की बात है, उन्हें बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था, वो किसानों के अगवा नेता रहे, किसानों की लड़ाइयां लड़ी। लेकिन जब किसानों के लिए काला कानून इसी सरकार ने लाकर किसानों को आंदोलन करने पर मजबूर किया, उन्हें मरने पर छोड़ दिया, लंबे सालों तक यह आंदोलन चलता रहा, 700 से अधिक किसान मारे गए, किसान पर भाजपा सरकार में मंत्री का बेटा गाड़ी चला देता है, कुचल देता है, तो उस वक्त किसान की चिंता नहीं थी। उन्हें लगा कि अजीत चौधरी के दादाजी को यानी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे देंगे तो किसान वर्ग खुश हो जाएगा कि किसानों की यदि सबसे अधिक चिंता किसी को है तो मोदी सरकार को है। ऐसे में किसान इनके झांसे में आए नहीं, 13 फरवरी को आंदोलन का ऐलान कर दिया और किसानों का संगठन इसके लिए तैयारी में जुट गया। तो लगा कि भारत रत्न वाला भी मामला सेट हुआ नहीं तो क्यों ना इन्हें धमकाया जाए, इन्हें डराया जाए, और यह सिलसिला चल पड़ा। जो भी आप वीडियो में देखे हैं ये रंगे हाथ पुलिस पकड़ी गई है, ऐसी भाषा कि आप आंदोलन में ना जाए नहीं तो कानूनी कार्रवाई कर देंगे, क्या आप संवैधानिक अधिकारों को छीन लेंगे क्या? अगर किसी का आंदोलन प्रदर्शन करना अधिकार है, शांतिपूर्ण तरीके से अगर वो प्रदर्शन करते हैं तो भी आपको दिक्कत है, और इस तरीके से किसी आंदोलन को कुचला जाएगा? किसान डरे हैं क्या? आज तक इतनी शहादत के बावजूद मोदी सरकार को झुका देने वाले किसान पुलिस की इन धमकियों से कैसे घबराएंगे ये बताएं।
खैर एहतियातन प्रशासन ने बड़े बड़े फैसले लिए। भाजपा सरकार इस कदर घबराई हुई है कि इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई है, ट्रैफिक रूट में बदलाव कर दिए गए हैं, किसानों को रोकने के लिए पूरी तैयारियां की गई हैं। इस संबंध में एक रिपोर्ट है, जरा देखिए आप अपने स्क्रीन पर। लाइव हिंदुस्तान ने रिपोर्ट प्रकाशित की है और इसमें बताया जा रहा है कि किसानों से निपटने के लिए क्या तैयारियां सरकार कर रही है। हिंदुस्तान ने लिखा है कि किसान आंदोलन, किसान संगठनों का 13 फरवरी को दिल्ली कूच, हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बंद, ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी। क्योंकि उन्हें पता है किसान जब जोश में आते हैं तो अपनी मांग पूरी करा कर रहते हैं। यहां आंदोलन देखिए क्या है। हिंदुस्तान ने लिखा है किसान संगठनों द्वारा 13 फरवरी को दिल्ली कूच के आह्वान के चलते हरियाणा पुलिस ने यात्रियों की सुविधा को लेकर एहतियात के तौर पर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। यात्रियों की सुविधा को लेकर या किसानों से डर है, ये लिखा गया है कि इसके अलावा हरियाणा के 7 जिलों अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में इंटरनेट सेवा बंद करने का ऐलान किया गया है। हरियाणा पुलिस ने इस दौरान लोगों से 13 फरवरी को क्या कहा है जरा देखिए। प्रदेश के मुख्य मार्ग का उपयोग अति आवश्यक स्थिति में ही करने की सलाह दी है। हरियाणा से पंजाब की ओर जाने वाले सभी मुख्य मार्गों पर यातायात के बाधित रहने की संभावना है। आमजन से अपील की गई है कि वे पंजाब की ओर यात्रा आवश्यक परिस्थितियों में ही करें। हरियाणा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ममता सिंह ने इस बारे में बताया कि ट्रैफिक की वर्तमान स्थिति जानने के लिए हरियाणा पुलिस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के तथा फेसबुक अकाउंट को फॉलो करें, वहां से वो अपडेट आएगा और नए रूट बना दिए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से ये प्रदर्शन चल रहा है, किसानों का आंदोलन है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी को हमेशा से खटकता ही रहा है। चलते चलते यह समझ लीजिए कि आखिर किसान क्यों फिर से आंदोलन करने पर मजबूर हुए हैं। रिपोर्ट में आज तक ने लिखा है कि 13 फरवरी से पहले केंद्र सरकार दे मांगों पर जवाब, दिल्ली कूच के लिए किसान कर रहे तैयारी। अब 13 फरवरी तक इंटरनेट की सेवा जब ठप कर दी गई है तो किसान की मांग को भी समझ लीजिए। ये मूलभूत मांगे हैं जो वर्षों से चली आ रही है, सरकार की हिम्मत ही नहीं होती है। स्वामीनाथन साहब को भारत रत्न दिया गया लेकिन एमएसपी जैसे मुद्दे पर जो उनकी राय थी उसे आज तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। आज तक ने लिखा है कि अपनी मांगों को लेकर किसान संगठन एक बार फिर दिल्ली की ओर कूच करने की तैयारी में है। दिल्ली एनसीआर में फिर से 12 और 13 फरवरी को लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल हरियाणा और पंजाब के किसान संगठनों ने दिल्ली चलो का नारा दिया है। किसान संगठन न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने समेत अन्य मांगों के साथ 13 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च में शामिल होने के लिए कमर कस रहे हैं। मांग यही है लेकिन इरादा सरकार का, सिस्टम का, कि कैसे आंदोलन को कुचला जाए। तो घरों में जाकर धमकी दे रहे हैं, पुलिस के करतूत सामने आ रही है, सरकारें अपने हिसाब से तैयारियां कर रही है। अब केंद्रीय मंत्रियों के साथ एक बैठक भी है, बैठक में देखिए क्या नतीजा निकलता है। लेकिन किसान का गुस्सा जब शुरू होता है तो फैसला कराकर ही शांत होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।